नोटबंदी के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से करप्शन और काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन छोटे कारोबारियों, किसानों और मजदूरों को इसकी मार जरूर झेलनी पड़ी। राहुल ने कहा कि पीएम का दावा था कि 30 दिसंबर के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंतिम तारीख नजदीक है और हालात अब भी खराब। साथ ही राहुल गांधी ने सहारा ग्रुप के रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए पीएम से जवाब मांगा है। वहीं ममता बनर्जी ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला करार दिया। ममता ने कहा कि अगर 50 दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वह इस्तीफा देंगे? ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी से हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है, क्या यही है अच्छे दिन? ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब तक 107 लोगों की जान चली गई है और हालात सुपर इमरजेंसी जैसे हैं। तो अब कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। 50 दिनों के बाद विपक्षी दल पीएम से जवाब चाहते हैं और हालात ना सुधरने पर विपक्ष ने पीएम के इस्तीफे की मांग की है। देखते रहिए डीबी लाइव।